हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीक्रेट ग्लैम गर्ल्स। तो आज हम ये शिमरी आई लुक क्रिएट करने वाले हैं, जो कि क्रिएट करना बहुत ही आसान है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं अपने पूरे फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी। आईलिड पर भी मैं सेम फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं उसे डैम्प स्पंज की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आईब्रोज़ को मैंने ऑलरेडी ऑफ कैमरा फिल कर लिया था। अगर आप आईब्रोज़ की ट्यूटोरियल चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम इसकी एक अलग से ट्यूटोरियल बना देंगे। अब मैं पाउडर की मदद से अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी। अब मैं सबसे पहले ब्राउन कलर की आई शेडो पिक करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं इसे आउटर वी पर ब्लेंड करते हुए क्रीज लाइन पर भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड देन मैं ब्लैक कलर की आई शेडो पिक करके उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं ब्लैक और ब्राउन दोनों कलर की आई शेडो पिक करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जब तक मुझे अपना डिज़ायर कलर नहीं मिल जाए तब तक मैं इसे ब्लेंड करूँगी। और मैंने आउटर वी पर ज़्यादा फोकस किया है, इसलिए मैं वहाँ पर ज़्यादा ब्लैक कलर की आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं ब्लू कलर की आई शेडो पिक करके उसे भी आउटर वी में अप्लाई करूँगी। अब मैं पर्पल कलर की आई शेडो पिक करके उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब मैं कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। और अब मैं सिल्वर कलर की शिमर को अप्लाई कर ले रही हूँ जहाँ पर मैंने कट क्रीज ड्रॉ किया है। एंड देन मैं एजेस पर पिंकिश पर्पल कलर की शिमर को अप्लाई कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। एंड देन मैं आईलाइनर लगा लूँगी। मैं एक बोल्ड आईलाइनर अप्लाई करूँगी और मैं इनर कॉर्नर्स पर भी एक विंग ड्रॉ करूँगी।
अब मैं लोअर लैश लाइन पर ब्लैक कलर की आई शेडो पिक करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड देन मैं ब्लू कलर की आई शेडो पिक करके उसे भी एजेस पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं वाइट कलर की काजल अप्लाई कर ले रही हूँ अपने लोअर वाटर लाइन पर एंड देन मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।